अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीएचपी के एडवांस प्रोजेक्ट के साथ मैं हूं अब्दुल वली। दोस्तों, जैसे कि ये एडमिन पैनल जो है हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसे कि पोस्ट, व्यू पोस्ट जो है हम कर सकते हैं, इसमें डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और इंसर्ट न्यू पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है मसला ये है हमारे साथ कि हम चाहते हैं कि जब हर बंदा जो है इस पर ना आ सके, ठीक है, यानी कि हर जो कोई जो है वो अभी देखो यहाँ पर कोई भी मलाला, फिर उसके बाद जो ये फिर हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो ये वेबसाइट पे भी इसी तरह होगा जैसे कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। कोई भी एडमिन लिख देता है तो डायरेक्ट जो है हमारा ये पेज ओपन हो जाता है, यानी कि एडमिन पैनल ओपन हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ वो लोग जो है इस पेज को एक्सेस कर सके जिसके पास एक पासवर्ड और यूज़र नेम हो, ठीक है, और वो लॉगिन हो। जब तक वो लॉगिन हो वो इसको देख सकते हैं। जब वो लॉग आउट हो जाए, इस बटन पर क्लिक करे एडमिन लॉग आउट पर, तो फिर वो यहाँ पर दोबारा ना आ सके, ठीक है। इस चीज़ को बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है कि हम सिक्योरिटी दें। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, हम आएंगे एडमिन का जो हमारा ये इंडेक्स डॉट पी एच पी एडमिन का जो वो है, आई मीन टू से कि जो एडमिन के लिए हमने ये पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, मेन पेज है इंडेक्स जो कि ये आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले हम इस पे जो है सेशंस की मदद से जो है इसको वैलिडेट करेंगे कि अगर एक सेशन एक्टिव हो एडमिन का तो फिर इस पे इसको आने दिया जाए, अदरवाइज इसको रीडायरेक्ट किया जाए लॉगिन डॉट पी एच पी पे, ठीक है। तो लॉगिन का एक पेज सिंपल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर पहले ऐड करते हैं इसमें, ठीक है जी, और इसको टाइटल देते हैं लॉगिन एडमिन, एडमिन लॉगिन, ठीक है जी, एडमिन लॉगिन। टाइटल को क्लोज किया, उसके बाद जो है हेड पे आए, और हेड के बाद जो है यहाँ से बॉडी स्टार्ट, और बॉडी यहाँ पर क्लोज है, ठीक है जी, और यहाँ पर एचटीएमएल क्लोज। दिस इज़ वेरी सिंपल फाइल, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर जो है इसी एडमिन के फोल्डर के अंदर इसको लॉगिन डॉट पी एच पी के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है जी, सेव कर दिया। अब बाकी यहाँ पर जो है एक फॉर्म का टेक क्रिएट करते हैं और एक्शन इसको देते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी, ठीक है जी, यही लॉगिन का पेज होगा, और मेथड जो है ये होगा हमारा पोस्ट, पोस्ट मेथड होगा क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। और फॉर्म को क्लोज़ किया, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो है एक खूबसूरत सा टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल विद जो है वो इसकी हो जाएगी 400 पिक्सल्स, ठीक है जी, और हाइट जो है हाइट माइट को छोड़ दें, विद ये हो जाएगी अलाइन सेंटर इज इक्वल टू सेंटर, और बॉर्डर जो है इसको अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है जी, और यहाँ पर आके इस टेबल को क्लोज करते हैं, और इसके अंदर जो है एक टी डी क्रिएट करते हैं, टी आर सॉरी, और टी आर के अंदर एक टी डी, और टी डी के अंदर जो है कुछ डेटा डालते हैं, इसके अंदर लिखते हैं कि एच वन के अंदर एच वन, ठीक है जी, इसमें लिखते हैं कि एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन, ठीक है जी, और एच वन को क्लोज करते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं, कॉल स्पेन, कॉल स्पेन इज इक्वल टू 5, और अलाइन सेंटर सी डी के वो हो रही है, ठीक है, और बीजी कलर इसको दे देते हैं इज इक्वल टू कोई भी कलर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर दे देता हूँ ग्रे, ठीक है, कंट्रोल इज टू सेव। अब नीचे आके एक और टी आर स्टार्ट, टी आर क्लोज, ठीक है जी, और इसके अंदर एक टी डी और एक टी डी क्लोज और एक टी डी और दूसरी टी डी भी क्लोज, और इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और एक बार दो बार जो है ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया यूज़र नेम, और यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है जी, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है जी, दैट्स रियली सिंपल, यूज़र नेम, और दूसरे नंबर पे हमारे पास यूज़र पासवर्ड, ठीक है जी, और इधर इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, और नेम जो है यूज़र अंडरस्कोर पास, दैट्स वेरी सिंपल। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो है हम एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसको हम जो है नेम दे देंगे इज इक्वल टू लॉगिन, ठीक है जी, और वैल्यू दे देंगे लॉगिन, ठीक है जी, और
इसको भी जो है यहाँ पर टीडी में अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन सेंटर और कॉल स्पेन, ताकि ये सेंटर पे आ जाए। आपको ऑलरेडी बताया था पिछले उसमें कुछ वीडियोस में, कॉल स्पेन इसको कर देते हैं 4 5 व्हाट्स एवर, बस ज़्यादा हो टोटल उससे नंबर ऑफ कॉलम से, ताकि ये मर्ज कर सके। ठीक है, और दैट्स इट, कंट्रोल एस टू सेव। और ये हमारी जो है एक एडमिन लॉगिन का पेज है। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी नाइस, यूज़र पासवर्ड, और यहाँ से जो है जस्ट हम इसको वो कर देते हैं, अलाइन राइट कर देते हैं, ताकि ये भी खूबसूरत लगे। ठीक है, और इसी को यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ से ये अलाइन कॉपी करते हैं, अलाइन राइट, और इसको यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं स्टडी में। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और अभी जो है यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, अभी ये तो हमने लॉगिन डॉट पी एच पी का पेज बनाया है। अभी इंडेक्स में हम जाते हैं, और सेशन की मैंने आपको बात की थी कि हम सेशन जो है वो यूज़ करेंगे एडमिन के लिए, ताकि वो जब तक सेशन एक्टिव हो तो वो लॉगिन हो और इस पेज को एक्सेस कर सके, अदरवाइज़ जो है वो कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता इसको यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर। तो सेशंस यूज़ करने के लिए जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन दो जो है पार्ट्स होते हैं सेशन को इस्तेमाल करने के पीएचपी के अंदर, एक आप सेशन स्टार्ट करेंगे और दूसरा सेशन डिफाइन करेंगे कहीं पर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे फिर उसको आप कहीं पर भी जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टार्ट और फिर जो है डिफाइन। तो स्टार्ट करने के लिए आप एचटीएमएल से भी ऊपर जो है पीएचपी का ब्लॉक्स शुरू करेंगे, और उसमें जो है लिखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है सेशन एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, और ये दो पेरेंथेसिस, इसका मतलब है कि सेशन आपने स्टार्ट कर लिया। किसी भी पेज में आप सेशन यूज़ करेंगे तो पहले सबसे ऊपर जो है एचटीएमएल से भी ऊपर सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब जाके सेशन स्टार्ट होगा, तब जाके आप सेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू को सेशन बना सकते हैं, यानी कि यूज़र नेम को या पासवर्ड को या ईमेल को, व्हाट्सएवर। ठीक है जी, तो सेशन यहाँ से स्टार्ट कर लिया हमने। फिर यहीं पर मैं कहता हूँ कि इफ़ इज़ नॉट, इज़ नॉट के लिए जो है ये साइन यूज़ होता है, जो एक्सक्लेमेशन का साइन है, शिफ्ट के साथ एक नंबर के साथ आता है। मैंने कहा अभी तक हम इफ एज सेट कर रहे थे ना, अभी हमने ये नॉट का साइन लगा दिया स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन का, तो इसका मतलब है कि इफ इज़ नॉट सेट की। ठीक है, इफ इज़ नॉट सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ठीक है जी, सेशन इस तरह बड़ा लिखते हैं, ये भी जो है गेट और पोस्ट की तरह एक ग्लोबल एरे है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सेशन अगर नो सेट ना हो यूज़र नेम का, यूज़र नेम कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एडमिन का अपना एक यूज़र नेम होगा, तो वो एडमिन एक इस वेबसाइट के एक भी एडमिन हो सकता है, दो भी एडमिन हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो यूज़र नेम हम कहते हैं कि यूज़र नेम उसके पास हो और वो इक्वल हो सेशन के, तब इस बंदे को आने दो। सॉरी, अगर ये इक्वल ना हो यूज़र नेम जो है सेशन यूज़र नेम के इक्वल ना हो, तो फिर इसमें हम हेडर का कमांड यूज़ करेंगे और कहेंगे कि भाई इस यूज़र को जो है वो रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन वाले पेज पे। अगर इक्वल हो तो फिर तो सही है, नहीं हो तो फिर जो है इसको लोकेशन, ठीक है जी, और लॉगिन डॉट पी एच पी, ठीक है जी, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। और यहाँ पर जो है ये जो स्कर्ली ब्रैकेट है इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है जी, और इसको सबसे लास्ट में बंद कर लेंगे। ठीक है, कि अगर इक्वल ना हो तो फिर ये पूरा पेज जो है ये हाइड कर दो, इसको रीडायरेक्ट कर दो वहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर सबसे नीचे जो है ये जो ब्रैकेट है इसको हम सबसे नीचे जो है एचटीएमएल से भी नीचे स्कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और सबसे नीचे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब हम हालांकि इस पेज पे मौजूद है एडमिन वाले पेज के, लेकिन अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लॉगिन एडमिन लॉगिन के वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पे क्यों आएंगे, इसलिए इस पे आएंगे कि हम जो है अभी एक्सेस नहीं कर सकते उस पेज को डायरेक्टली, आप कहीं पर भी लिख लें, ठीक है जी, आप ओहो आई एम रियली सॉरी, आप कहीं पर भी यहाँ लिख लें कि लोकल होस्ट, ठीक है, और लोकल होस्ट अंडरस्कोर मलाला, ठीक है, और एडमिन, ये एडमिन का पेज है, ठीक है, इस पर क्लिक करें तो ये आपको लॉगिन पे लेकर आएगा, ठीक है, एडमिन लॉगिन पे, क्योंकि वो पेज अब एक्सेसिबल नहीं रहा, क्योंकि आपने कहा कि अगर सेशन एक्टिव ना हो तो फिर उस पेज में आने की ज़रूरत, वो पेज उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली फेसबुक की तरह है, फेसबुक पे जब आप जाते हो facebook.com लिखते हो ना सिंपल, तो वो आपको रीडायरेक्ट करता है, कहते हैं लॉगिन हो जाओ तो फिर वहाँ पर आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये फेसबुक की तरह, वहाँ पर जब आप फिर यूज़र नेम और ईमेल दे देते हो, पासवर्ड और ईमेल, तो फिर फेसबुक पे मेन पेज पे चले जाते हो ना, कि URL में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ये बेसिकली सब कुछ होता है सेशंस की मदद से।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और यहाँ पर जो है हम जो हमने लॉगिन का पेज क्रिएट किया है इसमें भी काम करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ HTML का काम हुआ है अभी तक, PHP का काम अभी बाकी है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है सेशन भी एक्टिवेट करवाना है इसी पेज के अंदर, ठीक है, इसी पेज के अंदर सेशन भी एक्टिवेट करवाना है। और एक जो है टेबल बनानी है यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर, मलाला के डेटाबेस के अंदर एडमिन के लिए जो है, एडमिन लॉगिन के लिए जो है एक टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल नेक्स्ट।